भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था, यानी जब अर्जुन ने वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ये उपयुक्त समय आने का वादा करा था। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए। दुर्योधन ने इस बाण से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था इसलिए उसे बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह वो भीष्म के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण मांगे तो वो हंसे और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, और कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वो बहुत पहले ही लिखा जा चुका और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, और भी अननोन फैक्ट्स अबाउट गीता, रामायण और भी ना जाने बहुत कुछ आपके ज्ञान के पिटारे को बढ़ने के लिए यहाँ बनाया जा चुका है ऑलरेडी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रोफाइल को चेक करो और अपने ज्ञान को विस्तार दो।